डिप्रिसिएशन टॉपिक चल रहा था, कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि सर एक बार क्वेश्चन नंबर वन फिर से पढ़ाया जाए। ठीक है, हम लोग फिर से देखते हैं। डिप्रिसिएशन में सेल्फ प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर वन बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है इसलिए बच्चों को कभी कभी टफ लगता है। ठीक है, और उसके बाद आज हम लोग इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, यस और नो, और नए से फिर से नई शुरुआत करेंगे। ध्यान देना बेटा। सो अ फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एज ऑन 31 December 2018 एंड द करस्पॉन्डिंग डिप्रिसिएशन प्रोविजन। करस्पॉन्डिंग मतलब प्लांट एंड मशीन, उसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीन, उसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीन, उसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। यस और नो, ध्यान से सुन। ब्रोकन डाउन बाय ईयर ऑफ परचेस आर एस फॉलोज, मतलब ईयर ऑफ परचेस भी दिया है, प्लांट एंड मशीन भी दिया है, और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी दिया है। ये मशीन खरीदा था 2002 में, इसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 2 लाख। ये मशीन खरीदा था 2008 में, 2008 में, इसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 3 लाख। ये मशीन इतने के लिया था, इसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कब तक का है? 31 December 2018 तक का क्यूमुलेटिव प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है। 19 का तो पूछा ही है ना, ये वैसे ही 10, 11, 17, 18 अलग अलग साल में मशीनें खरीदी और ये उनके अलग अलग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सो 31 December 2018 को मशीन का बैलेंस कितना था और 31 December 2018 को प्रोविजन में बैलेंस कितना था? 21,35,000। आपको बनाने कौन से अकाउंट बोले हैं? मशीन अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट और असेट डिस्पोजल भी बनाने के लिए बोला है। लगता है कुछ असेट बेची है इन्होंने। और कौन से साल का बोला है? 19 का। कुछ असेट बेची है क्या? यस, खरीदा भी है, स्क्रैप भी किया है, बेचा भी है, चार चीजें की है। सिंपल, मैं अकाउंट बना लूं क्या? और इन्होंने बोला है जब भी खरीदा बेचा तो ऐसा अज्यूम करना 30 जून को खरीदा या 30 जून को बेचा, जस्ट फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन इन्होंने बोल दिया। नहीं भी बोलते तो हम क्या डर रहे थे क्या? तुम जिस दिन खरीदते हम लोग वहां से डिप्रिसिएशन लेते हैं, 6 की जगह 4 महीने का आता, कभी 5 का आता, कभी 9 महीने का आता, कभी 8 महीने का आता, कभी 5.5 महीने का आता। पर इन्होंने क्या कर दिया, बस ये बोला है कि कभी भी खरीदो कभी बेचो, आपने ये अज्यूम करना है 30 जून को खरीदा है 30 जून को बेचा। तो हमारे लिए डिप्रिसिएशन जिस साल खरीदा उस साल कितने महीने का रहेगा? 6 महीने का। जिस साल बेचा, कब बेचा? बीच में, मतलब असेट कितना मैंने यूज किया? 6 महीना। तो खरीदने और बेचने वाले साल में डिप्रिसिएशन 6-6 महीने का, बचे हुए सारे साल में पूरे साल का। लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन लिया, ये मैं थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में जिस स्पीड से लिया उससे थोड़ा ज्यादा स्पीड से बता रहा हूं, किसी को अगर फिर भी नहीं समझा तो प्लीज पूछना। ठीक है, आ जाओ। कौन कौन से अकाउंट बोले बेटा बताओ तो? मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट और असेट डिस्पोजल अकाउंट। बोलो, 2019 का बनाने बोला है ना, तो ओपनिंग बैलेंस ले लू क्या? कितना था यहां पे ओपनिंग बैलेंस ले लू क्या? हाँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,35,000। ये कितने है? 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 समझ में आया ना? थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ ना, इसलिए जो बच्चा फर्स्ट डे देख रहा है आपको आदत हो जाएगी बेटा, टेंशन नहीं। आ जाओ, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% ऑन कॉस्ट, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है। अन्य परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड 2 रुपीज। ऐसा कोई बच्चा है क्या जिसका आज क्लास में फर्स्ट डे है? आपका फर्स्ट डे है मुन्ना, आपने गलती से एक क्वेश्चन मत देखना, मतलब जीत आप बस ध्यान दो, समझेगा नहीं मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये बच्चे काफी समय से बैठ रहे हैं, इनको डेबिट क्रेडिट क्या होता है, एंट्री कैसे पास करते हैं, डिप्रिसिएशन में कौन सी दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, प्रोविजन चार्ज टू असेट, ये सब इनको बताया हुआ है, इसलिए ये हा ना या ऐसी मुंडी लाएंगे। बट आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा अगर किसी का आज फर्स्ट डे है लेक्चर में तो, यस और नो। तो ये क्वेश्चन के बाद जो मैं बताऊंगा वहां से आपको सब समझ में आना चाहिए, वहां से भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, ऐसा समझना आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं समझेगा तो भी इट्स ओके, छोड़ देना इसको। आ जाओ, ये लिख दिया हमने असेट डिस्पोजल का, कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या?
नो, वो तो 20 साल बेचेंगे ना, तब ट्रांसफर करेंगे। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ यहां पे। मशीन खरीदा 15 लाख का, कब खरीदा बेटा? वेरी गुड, टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद क्या हुआ ध्यान से देखना। प्लांट एंड प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2008 फॉर रुपीज 1,70,000 वॉज स्क्रैप। 2008 में जो प्लांट लिया था, 2008 में जितने भी प्लांट थे, 3 लाख रुपए उनकी कॉस्ट थी और पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। या फिर कॉमन सेंस अप्लाई करो ना, 2008 में लिया था 1,70 का, 2008 में, फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 2019 इस दिन कब बेचा? 30 जून को। खरीदा कब था? 30 जून को। यस और नो? तो पहले साल कितने महीने का डिप्रिसिएशन आएगा? 6 लास्ट ईयर। और ये बीच के कितने साल हो गए बताओ तो जरा मुझे, बोलो ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 साल। और ये आधा साल, ये आधा साल, टोटल कितना हो गया? हर साल का डिप्रिसिएशन कितना है? ओ हो, मतलब असेट की पूरी कॉस्ट तो डिप्रिसिएशन में खत्म हो गई। इसीलिए यहां पे देखो, जितनी कॉस्ट है उतना ही पूरा डिप्रिसिएशन। ऐसा कभी होगा कि असेट की कॉस्ट 3 लाख और डिप्रिसिएशन 3,30,000? नो। ज्यादा में ज्यादा कितना होगा? 100%। बरोबर है क्या? यस और नो? तो ये 1,70 का जो असेट खरीदा, इसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी कितना है? 1,70। 1,70 कॉस्ट थी और पूरा का पूरा 1,70 डिप्रिसिएट हो चुका है। और वो कहाँ चला गया, कहाँ एक्यूमुलेट हो गया? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। चलो, अब जो भी असेट आप बेचते हो उस असेट को असेट से निकाल के असेट डिस्पोजल में लाओ। बोलो, वो असेट की कॉस्ट कितनी थी? 1,70। उसको निकालू असेट अकाउंट से और कहाँ डालू? बाय एसेट डिस्पोजल 1,70, टू मशीन 1,70। अब असेट को मैंने असेट से निकाल के एसेट डिस्पोजल में डाला, उसके पीछू पीछू उसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी जाएगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना है? ये भी 1,70। बराबर है क्या? हाँ बोल बेटा। हाँ, बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 1,70 हो गया ट्रांजेक्शन। और इसको स्क्रैप किया या बेचा? स्क्रैप किया। स्क्रैप किया तो क्या हुआ बेटा बताओ तो जरा। हाँ बोलो। बाय बैंक जीरो ना, यस और नो? और लॉस कितना हुआ? बाय पीएनएल जीरो। सर जीरो कैसे हुआ? अरे बाबा, ये भी जीरो कैसे हुआ बताओ। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट का बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था ना, सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल माइनस सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग प्राइस जीरो, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कैसे निकलता है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। कॉस्ट कितनी थी? 1,70। डेप्रिसिएशन टिल डेट 1,70, जीरो 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 जीरो, इसलिए जीरो। अरे यस और नो, समझ में आया क्या? चलो आगे, ये असेट का किस्सा खत्म हो गया। अगला, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2009 फॉर 90,000 वॉज सोल्ड फॉर 5,000। 2009 में एक प्लांट खरीदा था, 2009 में 90,000 का खरीदा था। बोलो, इस पे 2009 में डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 6 महीने का। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 2019 में भी फिर से, ये भी सब क्या है? डिप्रिसिएशन। 6 महीना, ये कितने साल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 साल है क्या? है ये आधा साल है क्या? ये आधा साल है क्या? टोटल कितने साल हो गए? 10 साल हो गए क्या? और 1 साल का डिप्रिसिएशन कितना है? 10% SLM इंटू 10 साल। अरे पूरा 100%, तो ये पूरा 90,000 का डिप्रिसिएशन है क्या? ये हमने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में ट्रांसफर कर दिया होगा।
तो बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कितनी है, ये भी जीरो, तो 90,000 की कॉस्ट, 90,000 का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यस और नो? बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कितना है, जीरो, और ये जीरो वाली चीज कितने में बेची है, 5 में। ओ वाह, फायदा हो गया, जीरो की चीज 5,000 में बेचा तो फायदा कितने का, 5 का, यस और नो? चलो मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं अभी इसका। बोलो कितने की असेट निकाल दिया बेटा, 30/6/2019 बाय असेट डिस्पोजल 90, टू मशीन 90, असेट गई तो उसके पीछे पीछे उसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी जाएगा, निकालो क्या कितना है, अगेन 90, अभी तो हमने निकाला 90, ये भी ट्रांसफर कर दो बाय, काला वाला ट्रांजेक्शन पहला था, रेड वाला दूसरा, बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 90, बोलो बेचा कितने में, बाय बैंक 5,000, यस और नो? फायदा कितने का हुआ, 5,000 का, टू PNL 5,000 हो गया, दूसरा भी खत्म, ये भी हुआ दूसरा, पहले दूसरा तीसरा लास्ट, 2010 में खरीदा 2.40 का, वह सोल्ड फॉर 15, चलो निकालो, 2010 में खरीदा, ये दूसरा ट्रांजेक्शन था, ये तीसरा और ये लास्ट वाला चौथा, 2010 में कितने का खरीदा था, बोलो 2010 का डिप्रिसिएशन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 2019 का, और बाकी ये पूरा 1 ईयर है ना, पूरा 12 मंथ ना, कितने साल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हाफ ईयर, ये हाफ ईयर, टोटल कितना हो गया, 9 साल, 9 साल यानी 90%, निकालो इसका 90%, 9 ईयर × 10% SLM यानी कितना हो गया, 90%, आप एक एक साल का भी निकाल सकते हो, सेम आएगा, हाँ मैं बोलूँ कितना आया, पक्का ना, 2.40 का 90%, बोलो बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कितना है, 20, पक्का, वेरी गुड, ये चेक कर लो सबका, कल आपने गड़बड़ किया था इसमें कैलकुलेशन में, 24,000 कितने में बेचा, लॉस हो गया रे, 9,000 बराबर है, टोटल प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना है, 216, कॉस्ट कितनी थी, 240, उसके पिछू पिछू डिप्रिसिएशन कितना जाएगा, 216, चलो 240 की असेट को असेट से निकाल के असेट डिस्पोजल में डालो, असेट डिस्पोजल में डाल दिया, टू मशीन 240,000, इसके पीछे पीछे, इसके पीछे पीछे इसका डिप्रिसिएशन प्रोविजन कितना है, 216,000, डिप्रिसिएशन प्रोविजन कहां से निकलेगा, यहां से, राइट, लास्ट वाले कितने में बेचा, बाय बैंक 15, कितना फायदा नुकसान हुआ, खेल खत्म, ये टैली हो गया, इसका बैलेंसिंग फिगर लिख लें, इसका लिख लें, लिख लें, इसका लिख, 2019 में बोलो कितने की असेट बची है अब हमारे पास, अरे असेट कितने की बची है अब, निकालो बैलेंसिंग फिगर, 40 लाख की मेरे पास असेट बची हुई है बैलेंसिंग फिगर, हाँ बोल बेटा, कौन सी वर्किंग नोट टू, कौन से वर्किंग नोट टू में, कहाँ 81, अच्छा मेरी वाली बोल रहा है, इसकी बनाई हुई बोल रहा है, हाँ बोल कहाँ पे, हाँ ये टू, हाँ 90,000 की असेट थी, 90,000 की असेट थी, कितने साल का डिप्रिसिएशन हो गया, 11 साल, मतलब ये असेट तो पूरी खत्म हो गई, तो 81 मतलब कौन से बोल रहा है, 81 कहाँ है, टोटल डिप्रिसिएशन 90 इसके अंदर में,
क्योंकि 90,000 का 110% लेगा तो ये 99,000 हो गया। असेट की कॉस्ट से ज्यादा डिप्रिसिएशन हो सकता है क्या? नो। इसीलिए डिप्रिसिएशन असेट की कॉस्ट और एक्चुअल डिप्रिसिएशन का अमाउंट विच एवर इज लोअर कितना रहेगा? 90,000। असेट की कॉस्ट से ज्यादा डिप्रिसिएशन हो सकता है क्या? कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो असेट निगेटिव में दिखना शुरू हो जाएगी। क्लियर है क्या? क्या गलती किया था तूने? क्लरिकल एरर किया था। क्लर्क बनना है क्या आगे? जो क्लर्क बनने वाले हो क्लरिकल एरर करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो क्वेश्चन के ऊपर। ये समझ में आएगा पर अभी? अब बताओ असेट बची कितनी? क्रॉस चेक कर लो रे बाबा अपना आंसर और इसका आंसर, नहीं तो बाद में पूरा खत्म होने के बाद आप बोलोगे सर ये अपना अलग है इसका अलग है। में क्या 40 लाख आ गया क्या? वेरी गुड। 170, 330। अरे गधे लोगे ये भी यार। ऐसा करो ना 90 और 2, 40 दोनों की टोटल 33, अलग अलग देना चाहिए। राइट? ये आया बराबर सभी का? कुछ बच्चों को 33 नहीं समझा होगा। ये 33 नहीं है, 90 और 2, 40 है जो हमने लिखा था हमारे आंसर में। ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से कम हो गया क्या बराबर? देखो इसमें कितना बैलेंस बचा, 19, 22। और आपका ये कौन सा है? बाय पीएनएल। ये हमने ये डिप्रिसिएशन प्रोविजन है ना, ये पीएनएल, इन्होंने सब एक साथ कर दिया, सारे प्रॉफिट लॉस इन्होंने एक साथ ही दिखा दिया लगता। और ये असेट डिस्पोजल, करंट ईयर का डिप्रिसिएशन लिया ही नहीं करे इन्होंने। ऐसा लिखो फिर यहां पे डिप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर कितना बचा था बेटा हमारे पास? देखो तो असेट 40 लाख, और 40 लाख का इन्होंने कितना परसेंट लिया है? नहीं ना, पर कहां से? वो अलग चीज है। ये प्रॉफिट लॉस इन्होंने ले लिया, ये स्क्रैप किया, ये सेल किया, ये भी हमारा सही है, ये सही है। लॉस कितना लिया इन्होंने यहाँ पे? 4 कैसे आया? अच्छा इनका 9, और वो अपना नेट किया ना इन्होंने 15,000 और 9,000। राइट? अरे दे 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 दे। सुनो सुनो, ये 15,000 का अपना क्या था? प्रॉफिट था ना, कि 15,000 का लॉस था और 9,000 का प्रॉफिट था। लॉस और प्रॉफिट का इन्होंने क्या किया? नेट इफेक्ट ले लिया। लॉस दिख रहा है कि सभी को? हाँ बस सही है। फिर अपना गोली मारो इसके आंसर को, ये सही है। कहाँ गया रे? हाँ ये एक बार लिख लो ओमकार, ये समझाना अपना लिखा आंसर। एक बार बता देता हूं इनके इसमें, ये 3,30 लिखा इन्होंने, और क्या किया इन्होंने? ये प्रॉफिट है 5 का और ये लॉस है 9 का। ये कहाँ गया प्रॉफिट? और भी है ना? अच्छा 9 और 5, तो इन्होंने क्या किया देखना जरा। प्रॉफिट 5, लॉस 9 है ना, और इन्होंने नेट इफेक्ट क्या दिखाया? 4,000 का लॉस। तो वैसा मत करना, ये ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है? ये हर एक फिगर को सेपरेट सेपरेट दिखाना, मर्ज मत करना। सर क्या इनका लिखा हुआ ये गलत है क्या जो प्रिंट किया है मॉड्यूल में? हाँ वो लॉजिकली गलत है, बराबर है। कोई भी मॉडल आंसर में वैसा नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि जब कभी भी आप अकाउंटिंग करते हो तो डिस्क्लोजर नाम का एक कॉन्सेप्ट है। यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द ट्रांजेक्शन, राइट? फुल डिस्क्लोजर देना जरूरी है। अब वैसा अगर रहता तो फिर एक काम करो ना, ये आपका पीएनएल के डेबिट साइड में यहां पे क्या है? खर्च है। क्रेडिट साइड में यहां पे क्या है आपकी? आना रे इनकम। ये इनकम दिख रही है 100, खर्चे दिख रहे हैं 20। तो एक काम करो नेट ही दिखा दो ना फिर। नेट इनकम कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे? 80। चलेगा क्या ऐसे? नो। फिर तो पूरे साल भर के सारे इनकम एक्सपेंस के ट्रांजेक्शन मर्ज करके एक दिखा दो, चलेगा क्या? नो। डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, भले ही आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर में वो प्रिंट है, बट वैसे करना मत, ठीक है? जो हमने किया वो करेक्ट है, मैंने जो किया वो मॉडल आंसर के हिसाब से आईसीआई के जो आते हैं, बट यहाँ पे जो सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर में इन्होंने दिए, हो सकता है ये जो नोट्स मॉड्यूल जो बनते हैं ना, फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम दिया जाता है, एक चैप्टर का आपको 5,000 रुपये मिलेगा नोट्स बनाने का, तो वो बना लेते हैं। ये कोई इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट बैठ के नोट्स नहीं बनाता है, राइट? तो ये जो इन्होंने किया प्रॉफिट लॉस को मर्ज करके एक साथ दिखा दिया,
वैसा नहीं करना है। क्लियर है? होमगार्ड समझ में आएगा? पक्का बोलो कौन सा टॉपिक पढ़ना है अब। हाँ कितनी एसेट बची है हमारे पास में? कहाँ गया अपना? हाँ ये लो, आ जाओ, सारी एसेट बेच दिया है। अभी उन्हें ध्यान से सुनना है। ए बेटा इधर ध्यान दे, ये एसेट कब खरीदा? अच्छा ये बोल रहे हो क्या तुम लास्ट वाला? बोलो ये एसेट कब खरीदा? 30 जून को। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकालो 5%। बोलो कितना आया? तो 5% क्यों लिया? अरे एक साल का 10%, तो 6 महीने का 5%, तो ये हो गया एक डिप्रिसिएशन। बरोबर है? इसका एंट्री क्या रहेगा बताओ तो? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो यहां पे लिख लूंगा बाय डिप्रिसिएशन ब्रैकेट में न्यू एसेट, कितना आएगा? 75,000। यस और नो? और जो जो एसेट हमने बेची है करंट ईयर में बताओ तो कितनी एसेट गई है हमारी? टोटल एसेट थी 30 लाख रुपए की। मुन्ना ध्यान देना, लास्ट वाला डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो बच्चों को नहीं समझा, 30 लाख की एसेट थी ना। बोलो सबसे पहले स्क्रैप किया, कितने कॉस्ट की एसेट स्क्रैप किया? 170। उसके बाद और 90। हाँ स्क्रैप सोल्ड। हाँ हाँ बैलेंसिंग फिगर बताओ। 2, 40 और 90, 3, 30, 1, 4, 30, 70, 5, बचे कितने? 25 लाख। ये 25 लाख के ऊपर पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन रहेगा क्या? अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? पूरा कितना आ जाएगा? 2,50,000। 10% ही है ना बची हुई असेट जो है हमारे पास में, 2,50,000 आ गया। इसका हमने ले लिया था, कितना आया बेटा इसका? 75,000 आया नई एसेट का। ये पुरानी वाली एसेट है सारी ओल्ड। 30 में से कितने की एसेट चली गई? 170, 90, 240, बस इतनी गई ना। एक बार चेक करो क्वेश्चन में, 240 की बेच दिया है। ये कब बेचा? 30 जून को, मतलब 6 महीने तो यूज किया ना। लो 6 महीने का डिप्रिसिएशन इसका 12,000। ये भी 6 महीने तो यूज किया है ना, ये भी 6 महीने यूज किया है, बट इनका डिप्रिसिएशन इस साल कितना आएगा? 0, 0। सर क्यों? एनीबडी? वो पहले ही नील हो चुकी है, 240 की पहले नील नहीं हुई, 240 का बचा था ना 6 महीने का। यस और नो? ये दोनों असेट तो पहले ही नील हो चुकी है पूरी की पूरी, तो इनका डिप्रिसिएशन इस साल कुछ नहीं आएगा। बताओ डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 2,50, 2,50 और ये 12, 2,62 और ये 75, इतने का डिप्रिसिएशन आएगा बाय डिप्रिसिएशन। ओल्ड असेट्स कितना है बेटा? 2,62,000। बराबर है? हाँ कौन से ऊपर वाले? इनके आंसर को मत देखना, जो आंसर स्क्रीन पे बता रहा हूं वो देखना। ये देखो 25 लाख रुपए की हमारे पास असेट बची है। चेक करो तो 2, 40 और 90, 3, 30, 3, 30, 1, 4, 30 और 70, 5 लाख ना। कैलसी है क्या रे आप लोगों के पास? कितना है? 5। 30 में से 5 चले गए, बची कितनी? 25। 30 की थी ना सारी एसेट की, 35 की थी? 30। हाँ बोल बेटा। अरे दादा राम की सीता कौन थी? क्या क्या ये नई एसेट पे देख लिखा है न्यू और ये ओल्ड। ऑल सेट? पक्का? वृंदा अब तू घर पे रिसर्च करना आराम से, ठीक है? हाँ बोल बेटा। हाँ मेरी बात सुन। हाँ हाँ दो की असेट, 8 की असेट, 9, 10, 18, 19,
2002 की एसेट का कितना आया? नील। 2008 की नील। 9 में जो खरीदा था उसका तो बेच दिया ना हमने, इसमें पर वो असेट बेच दिया ना हमने, 50,000 किस हिसाब से दिया है? वो सबका फिगर वहीं पे आ रहा है। देखो एक सेकंड ध्यान से सुनना सब लोग। ए मुन्ना इधर ध्यान दे, कहाँ गया वो असेट? एक क्वेश्चन, ये जो है ना कहाँ गया रे 50,000? हाँ ये यहाँ पे जो 50,000 का बचा हुआ है, 2009 की असेट थी ना, इसमें से कितनी बेची हमने? 90,000 की बेची है, 240 की, इसी में से बेची ना, 2009 में से 90,000 की बेच दी। 2009 10 लाख में से 90,000 की एसेट बेच दी, इसका डिप्रिसिएशन भी हमने माइनस कर दिया, बराबर है? तो ये बैलेंसिंग फिगर अपना इसमें 25 लाख में 10 लाख का भी तो एसेट आ ही गया ना। आप लोगों ने ऐसे किया है क्या अलग अलग? एक बार देखना जरा। देखो 2002 में जो असेट थी कितनी की थी? 2 लाख की। इसका डिप्रिसिएशन प्रोविजन कितना हो गया? पूरा 2 लाख। 2008 में कितने की असेट थी बेटा? 3 लाख। इसका भी पूरा खत्म हो गया क्या? 2009 में कितने का था? बट इसमें से हमने कुछ असेट बेचा है ना 2010, 2000। समझा मैं आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? तो एक सेकंड देखो कितना था 2009 का? 10 लाख। 2010 का कितना है? 2010 में कहां से आया बेटा ये 240? 2010 में 7 है ना रे, तुम 240 लिखा है यहां पे। दो हजार दस के अंदर में कितनी की एसेट? आप मुझे क्वेश्चन देख करके बताओ, 2010 में कितनी की एसेट थी? 7 लाख। हाँ 2017 में, 2018 में, सुनो सही, 2019 में 15 लाख की एसेट खरीदी, राइट? डिप्रिसिएशन प्रोविजन इसका कितना आएगा? 75,000 6 महीने का, राइट? क्या 2018 में 3 लाख की थी, बरोबर है? ये 2018 की पूरी लगेगी ना, यहाँ पे तो डिप्रिसिएशन पूरा ही आएगा। कितना आ जाएगा? 30,000। ये 5 लाख की, इसमें भी पूरा ही आएगा, इसमें से कोई बेचा नहीं है ना, 50,000। 2010 में से बेचा है क्या? कितने की बेचा है? 2 लाख। 2,40,000 बचा कितना? 4,60,000। तो इस 4,60,000 पे कितना आएगा? 46। और ये 2,40 पे कितना आएगा? 12। तो हो गया ना पूरा, 10 में से कितने की बेचा? 90 ना, यस और नो? ये 90,000 की बेच दी, बट इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना आएगा? जीरो। सुनो तो सही, ये क्वेश्चन के अंदर में जो 50,000 जो डिप्रिसिएशन लिखा है ना 2009 की असेट का, वो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का फिगर हम लोग चेंज कर देंगे। तुम कॉमन सेंस अप्लाई करो, 2009 में कोई असेट खरीदा, आज 2019 है, तो वहां पे डेफिनेटली फिगर 10 लाख 10 लाख दोनों सेम होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। बरोबर, एक काम कर दे, 2 सेकंड के लिए सारी स्टोरी को साइड में रख। ऐसा समझ 2009 के अंदर की जो असेट थी ना 10 लाख की, उसमें से कोई असेट बेची नहीं, 2019 के अंदर में बेची, बराबर है? अब यहां से हिसाब लगा जरा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने साल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने साल हो गए? 9। ऊपर का आधा और नीचे का आधा कितना हो गया बेटा? बरोबर है क्या? और यहां पे कितने वाली एसेट बेची हमने? 90,000 वाली, 90,000 वाली एसेट बेच दी इसमें,
ये 10 लाख की असेट है, एक 90 हजार वाली असेट बेच दी, ये 90 हजार वाली असेट पे कितने साल का डिप्रिसिएशन लग गया? पूरे 10 साल का। बची कितनी? 9 लाख 10 हजार की। ये 9 लाख 10 हजार वाली असेट तो ये 2019 पे आधा रहेगा या पूरा रहेगा? अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो 90 हजार वाली असेट है उसके ऊपर कितने साल का? आधा 9 और आधा 10 साल का लगेगा। और जो 9 लाख 10 हजार वाली असेट बची है इसके ऊपर तो 2019 में पूरा लगेगा ना, मतलब इसके कंपैरिजन में आधा साल एक्स्ट्रा लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10.5 साल। मतलब इसके 10 साल कहाँ खत्म हो गए रे बेटा? 2019 के 30 जून में ना, तो इसके ऊपर 2019 का 6 महीने का निकालो तो कितना रहे? 9 लाख 10 हजार के ऊपर 45,000। और हमने कितना जीरो लिखा है क्या? इसका कहाँ गया है? 45,000 मतलब यहां पे कितना है? ये 10 लाख है, 30 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 90 हजार, 9 लाख 10 हजार। 90 हजार वाली असेट पे कितना आया है यहां पे? बताओ बेटा, 90 हजार वाली असेट जो बेची इस पे 4,500 आएगा ना 2010 में, 19 में? लिखो बच्चों ये वाली वर्किंग नोट लिखो, समझा क्या तकलीफ आ रही है? आप क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे फिर, जैसा अगर है वैसे ही रखते हैं उसको। ये लो, टोटल असेट थी 30 लाख की, ठीक है, और एक नई असेट खरीदा हमने 15 लाख की। ये लिख लो, एक छोटू सा वर्किंग नोट लिखवा के दे रहा हूं। ये न्यू असेट है और ये ओल्ड असेट्स है। ओल्ड असेट में बाइफरकेशन अब क्वेश्चन देख करके बताना, आपकी जो वर्किंग नोट है वो नहीं। ये ले मुन्ना, जरा रजिस्टर ले, इसके अंदर से लिख, एक सिंपल सा वर्किंग नोट बना करके देता हूं, ऐसे लिख लो। बताओ क्वेश्चन में कौन कौन सी असेट थी? देखो ये वाली फिगर बताना है अपने मेरे को, कहाँ गए रे? हाँ ये दिख रहे हैं सभी को, ये वाली फिगर सारी, ठीक है, साल के साथ बताना। हाँ बताओ, पहली फिगर कौन सी थी बेटा? 2002 की थी ना। हाँ बताओ, अमाउंट कितना था उसका? वेरी गुड। हाँ उसके बाद वर्किंग नोट, हाँ 2008 कितना था इसमें? 3 लाख। हाँ उसके बाद 2009 10 लाख, 2010 7 लाख। हाँ उसके बाद 2017 कितना था? 5 लाख। हाँ उसके बाद 2018 3 लाख। चेक करो बेटा एक बार, 2018 3 लाख, सबकी टोटल 30 लाख हो रही है क्या? चेक करना, हो रही है ना? ये टोटल 30 लाख का बाइफरकेशन मैंने यहां पे लिखा है बेटा। अब चलो बताओ, सबका डिप्रिसिएशन मुझे चाहिए पहले तो, इसका मुझे सारी असेट्स का 2019 का डिप्रिसिएशन चाहिए, राइट? ये कब खरीदी? 2019 में, कब? 30 जून को, तो इसके ऊपर 6 महीने का आ जाएगा, ये तो क्लियर है, 75,000 रुपए, ये एक अपना आंसर आ गया। चलो अब इसके अंदर में देखते हैं, 2002 में जो असेट खरीदा था इसके ऊपर 2019 में कितना डिप्रिसिएशन आएगा? हाँ वृंदा, 2002 में जो असेट खरीदा इसके ऊपर 2019 में कितना आएगा? कौन सा? ये असेट हमने स्क्रैप किया है क्या? इसके हाँ, तो 2,00,000 हो गया, इसलिए तो मैंने पूछा हूं ना कि 2019 में इसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन आएगा, काय को 2,00,000। हे प्रभु, ये ले प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 2,00,000, ठीक है। ये असेट स्क्रैप किया है क्या हमने? 2002 वाली असेट स्क्रैप किया है क्या? कितनी किया इसमें से?
मॉड्यूल है रे किसी के पास यहाँ पे सामने? हाँ दे रहे, सामने मॉड्यूल रख, बार बार मेरे को स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी नहीं तो। हाँ पता नहीं, 2002 में से कुछ भी स्क्रैप नहीं किया है। 2008 की स्क्रैप किया, 2009 की सेल किया और 2010 की सेल किया, तो यहां पे कुछ भी नहीं किया। इसका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसका बैलेंस रहेगा 2 लाख और इसके ऊपर 2019 में डिप्रिसिएशन जीरो, ऐसा लिखता हूं। बैलेंस इन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 2 लाख और इसके ऊपर डिप्रिसिएशन इन 2019 जीरो। क्यों जीरो लिया जरा बताओ तो यहां पे, क्योंकि तो सारा वो असेट खत्म हो गया। 2002 से हम यूज कर रहे हैं, अभी 2019 है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10% हर साल का है, 10 साल वो असेट यूज हो जाएगी तो 10 साल में 100% खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म हो गया। उसके बाद 2008 में जो असेट है इसका क्या हुआ हिसाब जरा बताना। तो इस 2008 वाली असेट में से हम ना 170,000 वाली असेट हमने क्या किया, स्क्रैप, और 130,000 वाली असेट अभी भी पड़ी है, बरोबर है कि नहीं? चलो अभी 170,000 वाली असेट स्क्रैप कर दिया, इसका बैलेंस इन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना है, 170 और 130, इसका बैलेंस इन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना है, 170 और 130। तो क्यों दिया है क्वेश्चन में, चेक कर लो, 3 लाख को पूरा 3 लाख का डिप्रिसिएशन है। सर फिर आपने बाइफरकेट क्यों किया, क्योंकि उसमें से 170 का एक टुकड़ा निकाल करके इन्होंने स्क्रैप कर दिया ना। अब बताओ इस 170 के ऊपर 2019 में कितना आएगा, जीरो, पूरा का पूरा चार्ज हो गया ना और प्रोविजन में इकट्ठा भी हो गया और इसका भी पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया, अभी कितना आएगा, जीरो। उसके बाद 2009 में जो असेट है, 2009 की असेट के साथ क्या हुआ, रुको पहले बाइफरकेट तो कर लो, कितनी असेट इसमें से सेल किया, 90,000 की असेट सेल किया, बरोबर है ना, और बची कितनी, 9,10,000 की असेट बची है। और ये कब खरीदा था, 2009 में, 2009 में इसके ऊपर कितने महीने का डिप्रिसिएशन आया होगा, 6 महीने का, फिर उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कितने साल हो गए, 9 साल। और 2000 कब खरीदा था, 9 में, ये 9 का 6 महीना, 9.5 साल, बरोबर है, 9.5 साल का डिप्रिसिएशन हो गया 2018 के एंडिंग तक ये सारी असेट पे, और मतलब 2019 के अंदर में ये 90,000 के ऊपर कितना आएगा, 6 महीने का, बताओ 90,000 का 6 महीने कितना होता है बेटा, 4,500 6 महीने का, बट ये बचे भी 9,10,000 के ऊपर कितना आएगा, पूरा 91,000, ये पूरे 12 महीने का, क्योंकि बचे हुई तो वैसे ही पड़ी है ना अभी भी। अभी ध्यान से सुनना, यहां पे 2009 में जो असेट लिया, एक बार ध्यान देना, एक सेकंड, 2009 में मैं ईयर ही काउंट कर रहा हूं, 100% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वो हमारा टारगेट है ना। 2009 में असेट लिया, कब लिया, 30 जून को, 10 से लेके कब तक, 18 तक, कितने साल हो गए बेटा यहां पे, 9 साल, ये 6 महीना, और यहां पे 2019 में 9.5 है ना, तो 2019 में इसके ऊपर भी 6 महीने का ही लेना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा फिर अपना, बताओ रे जरा, 45,000, पक्का ना, ये 6 महीने का। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ बच्चों को अगर ये नहीं समझा होगा तो बता देता हूं, सर ये असेट बेची 30 जून को इसलिए 6 महीने का लिया, ये तो क्लियर है, बट बचे हुए 9,10,000 के ऊपर 6 महीने का क्यों लिया, क्योंकि बरोबर 2019 में 6 महीने बाद इसके भी असेट की पूरी कॉस्ट डिप्रिसिएशन में खत्म हो गई। 2019 के 30 जून को ही ये पूरी कॉस्ट खत्म हो गई 9,10,000, इसीलिए 30 जून के आगे मैं 2019 में डिप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं कर सकता हूं। देखो ना, 10 साल खत्म हो गए पूरे, 2019 के 6 महीने, ये 6 महीने और ये 9 साल, ये आधा 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 और ये 9 साल, टोटल कितने साल हो गए, 10, और ये 10 साल का खत्म हो रहे 30 जून 2019 को, इसलिए मुझे सभी के ऊपर यहां पे ये बेचा, इसलिए मजबूरन 6 महीने का ही लेना था, और यहां पे तो इसका लाइफ ही खत्म हो गया पूरा, कॉस्ट खत्म हो गई पूरे, तो मैं उससे ज्यादा चार्ज ही नहीं कर सकता हूं, तो मैंने कितना चार्ज किया, 45,500, ये सही है क्या। उसके बाद आगे ये 2010 की एसेट है, इसके अंदर से क्या किया बताओ, कितनी बेचा, 2,40,000 की बेच दिया, बची कितनी,
4,60,000, 4.6 या 460 के। हाँ बताओ, इसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बेटा हम लोग 2019 में। हाँ, टिल डेट प्रोविजन कितना इसका? अरे टिल डेट प्रोविजन कितना है इसका टोटल? 7 लाख का, देखो ना क्वेश्चन में। अरे भगवान, 5,95, 5,95 है ना, अभी ध्यान से सुनना। और इसके ऊपर 2019 में कितना आएगा ये बता दो। 2,40,000 का 6 महीने का 12,000, और ये इसका कितना आएगा पूरा 10 साल का, 10 अपने 12 महीने का आएगा क्या? खत्म तो नहीं हुआ है ना, चेक कर लो। 2010 6 महीने, 10 का आधा है ना, 2010 में बीच में खरीदी होगी असेट। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है, समय है अभी भी, बराबर है ना। 19 का तो पूरा ले सकते हैं, बोलो कितना आ जाएगा इसका, चेक करो एक बार। 2010 का 0.5 ईयर, उसके बाद 11 से लेकर के 18 तक कितने साल हो रहे हैं? 11 12 13 14 15 16 और 17 18, ये कितने साल हो गए? 8 साल। और 2019 में कितना आ जाएगा यहाँ पे है, कर सकते पूरा 1 साल, ये इसके ऊपर लो 1 साल का, बोलो कितना आ रहा है? 46 के। फिर उसके बाद में इसके ऊपर कोई चेंज है क्या 2017 की एसेट में? वेरी गुड, पूरा 12 महीने का आ जाएगा यहाँ पे 50 के। 2017 में से कुछ बेचा है क्या? कुछ भी नहीं बेचा है ना, तो पूरे 12 महीने का ले लू ना, 50,000 रुपए 12 मंथ का। हाँ बोल श्री, ये 4,60,000 का 10%, कंफ्यूज हो गया बच्चा, 4,60,000 का 10% है ना। हाँ ये 5 लाख का पूरा, 3 लाख का बताओ बेटा इसके ऊपर कुछ हुआ है? ले लू क्या पूरा, चेक करो। और ये 75,000, अब ये सारे डिप्रिसिएशन की टोटल करो, ये कितना आया 75,000 6 मंथ का, ये टोटल करना आप, चेक करो रे। गलत कलर ले, ये सारे डिप्रिसिएशन की टोटल करो और ये वर्किंग लिखो। अब आपके पास 2 लाख कंफर्म ना? अब आपने आज लिखा ना, अब इस क्वेश्चन के अंदर में इंस्टीट्यूट ने क्या गलती किया है वो गलती आपको अभी नहीं समझोगा, वरना जबरदस्ती जबर आप इसके अंदर में और कंफ्यूज हो जाओगे। जो असेट 2009 की है उसका 0 देना चाहिए था उन्होंने, समझा मेरे को जो तुम बोल रहे हो ना, तुमने भी अजम्पशन कुछ न कुछ लेकर के 30 जून को खरीदा बेचा वो सारी चीजों के हिसाब से किया होगा ना। ठीक, ये वर्किंग नोट समझ में आया ना, ये लिख लो। मैंने हॉरिजेंटल लिखा, तुमने वर्टिकल लिखा, तेरी और मेरी वर्किंग नोट में कोई चेंज नहीं है, ये लिख लिया सभी ने, लिखो अब शांति में। अच्छा आपने भी पहले यही लिखा था, ओके। इतनी थिंकिंग मैच होती है मेरी आपकी, लिख लो जो जो बच्चों को बाकी लिखो, सभी का लिखना हो गया क्या, चेंज कर दो, लिखो फटाफट से। एक से वृंदा तू ऐसा बोल रही ना, 2009 में ये जो 10 लाख की एसेट है ये 6 महीने का, उसके बाद 10 से लेके 18 तक ये कितने हो गए 9 साल, बरोबर ना। और ये 2019 का ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 महीना, हाँ तो 6 महीना हो गए ना 30 जून तक, हाँ तो इसीलिए मैंने उसका 6 महीने का लिखा ना यहाँ पे, देखना 45,500। नील होने के बाद हमने असेट बेच दिया, हाँ कौन सी, ये वाली असेट नील होने के बाद बेच दिया सबने, तो हमने भी तो वही किया ना, दोनों असेट साथ में नील किया, देखो इसलिए तो यहाँ पे 6 महीना लिखा है,
तुम्हारा सबका आंसर, जो जो बच्चों का आंसर ये आ रहा है ना, ठीक है, आपने आपके हिसाब से जो वर्किंग नोट लिखा वो रहने दो, ये स्पेयर में लिख करके रख लो। अगर आपकी मेरी वर्किंग नोट सेम है तो मत लिखो, अगर आपका सेम आ रहा है इट्स ओके, चेक करने की जरूरत नहीं है, और अगर अलग आ रहा है तो ये वर्किंग नोट लिख करके रख लेना। कौन सा देखो, अब एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। इंस्टीट्यूट के अंदर में सुनो, मेरी बात सुनना, इंस्टीट्यूट ने क्या किया यहां पे, जो असेट की लाइफ 10 साल पूरी खत्म हो गई, हाँ एक अजम्पशन के कारण पूरा हुआ आंसर कि भाई हर बार 30 जून सोचने का, तो वो अजम्पशन के हिसाब से गया तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप 30 जून का ही अजम्पशन लेते हो तो सभी ने आंसर लिख लिया 263, नहीं आया तो प्लीज एक बार वापस पूछो। ये मेरे ख्याल से कल 2-3 बच्चों का आ गया था आंसर, कौन कौन बच्चों का आ गया था कल ही, 1-2 बस, बाकी किसी का नहीं आया था। आपका कुछ 4 लाख समथिंग आया था ना, हो गया, ये लिखा सभी ने, लिख लो एक बार। एक क्वेश्चन है भाई साहब, तुम लोग ना बच्चों, एक ही क्वेश्चन में अपना बहुत सारा टाइम चला गया रे आज, लिखो जल्दी जल्दी से। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर में डाउट है तो एक बार वापस देख लेना घर जाने के बाद वीडियो, शांति में। मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर देते हो आप लोग, मालूम है क्या, मैंने सोचा था आज बेसिक चालू कर दूंगा वापस, आज क्या, आज अपन अच्छा खासा बेसिक देख लेंगे, नहीं मेरा आगे का लेक्चर है। लिखा सभी ने, अरे लिखा क्या, अब एक मिनट देख नजर, देखो 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 देखो, ध्यान देना ध्यान देना, एक सेकेंड ना, 2 सेकेंड के लिए एक शांत हो जाओ सब लोग, पेन वेन नीचे रख दो, सिर्फ देखना जरा स्क्रीन पे देखो। दिख रहे हैं सभी को, कुछ याद है कि हम लोग ऐसा करते थे पहले, इन्होंने हमारे आज तक के किए हुए 6-7 क्वेश्चन को क्लब करके एक ही साथ में दे दिया है पूरा। हम लोग ऑरिजेंटली सारी मशीनों को अलग अलग बनाते थे ना, सारे कॉलम बनाते थे। अब देखो इन्होंने 2002 को जो खरीदा है वो समझ लो पहली मशीन है, बताओ इसका डिप्रिसिएशन कितना है, 2008 तक कोई चेंज नहीं हुआ, तो एक साथ में 2002 से लेके 2008 तक का डिप्रिसिएशन यहाँ पे लिखो क्या, 02 to 08 कितने साल होते बेटा। अगली बार चेंज कब हुआ इसके अंदर में, 8 में चेंज हुआ है ना, वैसा भी कर सकते, बोलो कितने साल हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 साल हो गए, बट जिस साल खरीदा उस साल का आधा 6.5 साल का, तो 6.5 साल का डिप्रिसिएशन यहाँ पे लिख लो। उसके बाद अगली बार चेंज कब हुआ, 2008 में, समझ में आया क्या, कि अपने जैसे रेगुलर कॉलम बनाते वैसे बनाओ, नहीं समझा शायद कुछ बच्चों को, अरे आना रे, डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, बोलो कितने महीने का आएगा, 6 महीने का, हाँ बताओ कितना आ रहा बेटा यहाँ पे, हाँ बोलो बोलो बोलो, 10,000 ना, बोलो बच्चा कितना बैलेंस, ये कब का है, 2003 का सेकेंड ईयर का, बोलो कितना आएगा, वेरी गुड, हाँ बोलो, हाँ आज आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपने करके लेके आना घर से, ठीक है, एक मशीन का मैं बता रहा हूँ, बाकी मशीन का आप घर से करके लेके आना, बस आपको इस क्वेश्चन का एक पहलू समझ में आएगा। क्या बोले बेटा, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ करके तो आओ एक बार सारी मशीन का, मैं आपको अपने सारे क्वेश्चन जो हमने पहले करके रखे हैं ना, एक बार सारे क्वेश्चन को क्लब करके मैं आपको समझ जाना चाहता हूँ कि ये सारे बस वही क्वेश्चन है, इन्होंने एक साथ 6-7 मशीन का क्लब करके दे दिया है, एक बार ट्राई करके तो आना, श्री करके आ जाना बेटा, बोल रहा हूँ इसलिए तो कर ले, है ना, हाँ बताओ कितना बचा, 90, बोलो कितना बचा,
हाँ बरोबर है, कितना बचा? 50। नहीं हुआ पूरा खत्म अभी, 30। बोलो कितना बचा, बोलो कितना बचा? 33। नहीं, 6 महीने का आएगा अब यहां पे। और ये 6 महीने का क्यों? असेट बेचा नहीं, खत्म हो गई है पूरी। समझ में आ रहा है क्या? ये सारी मशीन का एक बार वर्टिकल कॉलम बनाना, फिर मैं आपको है ना कुछ डेप्रिसिएशन को ऐसे मार्क करके दे दूंगा। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, वो सारे डेप्रिसिएशन जो मार्क करके दूंगा आपको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस मैच हो जाएगा जो 2135 का है। 2019 के सिर्फ डेप्रिसिएशन मार्क करोगे तो 263 का आपका टैली हो जाएगा, बरोबर है। और कल इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे अभी भी बता सकते हैं, हर समय तो है हमारे पास, ये तो कल ही देखेंगे। इसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है पूरा कल एक 5 मिनट के अंदर मैं बता दूंगा कि कैलसी पे आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सर नो, अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? 30 जून वाली, अगर वो किसी ने मिस कर दी तो उसका 6 महीने का खरीदने वाले साल में और 6 महीने का बेचने वाले साल में डिप्रिसिएशन का फर्क आ जाएगा, बरूबर है। ये एक मशीन का मैंने करके बताया, बची सारी मशीन का लिख के लेके आना, फिर आपको डिप्रिसिएशन की फिगर मैच करवा के दूंगा। टोटल 2135 भी और वो 263 भी, बस इतना करके आओ, ये बेसिक वर्क है आप लोगों का। और अभी 2 मिनट के लिए ध्यान दे दो, आ जाओ स्टार्ट कर ही देते हैं। 15 मिनट में आगे पोस्टपोन करवा दो मेरा आगे का लेक्चर, और हम लोग आज सबसे पहले नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने सोच के